हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस एकेडमी ऐप पर आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, एम्स बीएससी नर्सिंग का रिजल्ट आ चुका है और जिसकी मेरिट लिस्ट जारी हो चुकी है। तो अब हम देखेंगे इस वीडियो में कि कट ऑफ कितनी रहेगी और जो आपका रिजल्ट जारी हो गया है उसका जो मेरिट लिस्ट है वो मेरिट लिस्ट देखेंगे हम, और जो आपका डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा अपने काउंसलिंग के टाइम में, और काउंसलिंग और जो काउंसलिंग करवाए वो कैसे करवानी है काउंसलिंग, और काउंसलिंग कब तक होगी, और जो मेरिट लिस्ट आई है क्या उन्हीं को कॉलेज मिलेगी क्या, और जो बाकी रह गया है जिसका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं आया है उनको क्या कॉलेज नहीं मिलेगी क्या, ये सारी बातें हम डिटेल से इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप प्लीज़ जाकर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, क्योंकि आगे आने वाले ऐसे नोटिफिकेशन इस चैनल के माध्यम से आपके पास सबसे पहले प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो अब हम आगे चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आपकी जो मेरिट लिस्ट है, जो आपका एम्स बीएससी नर्सिंग का जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है जिसकी मेरिट लिस्ट जारी की गई है, वो मेरिट लिस्ट देखते हैं कि किन किन स्टूडेंट का नंबर आया है और हाईएस्ट नंबर किसके हैं, लोएस्ट नंबर किसके हैं, ओबीसी यूआर ईडब्ल्यूएस एसटीएससी की कट ऑफ कितनी जाएगी फर्स्ट राउंड की जो कट ऑफ है वो कितनी जाएगी, सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड की हम बात करेंगे, ये कट ऑफ कितनी जाएगी, क्योंकि इस बार कट ऑफ रहेगी डाउन, बहुत डाउन रहेगी, क्योंकि इस बार नए कॉलेज यानी जो न्यू कॉलेज भी ऐड हुए हैं इस बार, इसके कारण जो कट ऑफ है वो कट ऑफ कम जाएगी। हम बात करते हैं अब आपके जो मेरिट लिस्ट है उसके रिजल्ट ऑफ एम्स बीएससी नर्सिंग कोर्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑफ अगस्त 2023 सेशन। तो ये है आपका रिजल्ट, इस पर क्लिक करोगे, क्लिक करते ही आपकी जो पीडीएफ है वो डाउनलोड हो जाएगी, जो आपके मेरिट लिस्ट है। ये मेरिट लिस्ट आप देख सकते हो 28 को आई थी, यानी कल रात को आई थी ये लिस्ट, आप ये देख सकते हो यहाँ पर, जो आपकी एग्ज़ाम 12 जून को हुई थी। और अब देख सकते हो यहाँ पर ओवरऑल रैंक देख सकते हो, और जो फर्स्ट राउंड में, यानी ये लिस्ट कौन सी है जो फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट होंगे उनकी ये फर्स्ट राउंड है। तो यहाँ पर अपना रोल नंबर चेक कर लेना कि मेरा नंबर आया है कि नहीं आया फर्स्ट राउंड के अंदर काउंसलिंग में, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। और ये आपके परसेंटेज हैं कि कितने आपके जो एंट्रेंस एग्ज़ाम में कितने नंबर आए हैं। अब आपको जो हाईएस्ट नंबर है जो 89 है आप देख सकते हो, यहाँ पर उसकी फर्स्ट रैंक है जो भी बीएससी नर्सिंग की या एम्स बीएससी नर्सिंग। तो अब हम बात कर लेते हैं कि कट ऑफ कितनी रहेगी, और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल करवाई जाएगी। तो टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर ले। तो ये देख सकते हो, यह 114 पेज है इसके, तो आपको ये पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसके कारण आपको जाकर टेलीग्राम पर देखना होगा ये पीडीएफ। मैं आपको जो लास्ट का है जो वो बता देता हूँ कि कितनी जो कट ऑफ रही है वो क्या है, यह आप देख सकते हो कैटेगरी वाइज कट ऑफ, ये देख सकते हो यूआर और ईडब्ल्यूएस इतनी रैंक तक की जो कट ऑफ है वो इस फर्स्ट राउंड में, यानी जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग होगी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो ओबीसी है वो 6000 तक कर सकते हैं, और जो एससी वाले वो 8425 तक, जो एसटी वाले वो 8221 तक, ये आप देख सकते हो। तो एससी की जो एससी कैंडिडेट है उसके सबसे कम नंबर यानी 40 पर उसका जो फर्स्ट राउंड में वो पार्टिसिपेट कर सकता है। आपकी सेकंड राउंड काउंसलिंग के चांस बहुत कम है, क्योंकि 8000 आप ये देख सकते हो, 8000 कितने 8425 रैंक तक के स्टूडेंट्स को फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए मौका दिया गया है। तो आप ये मान के चल सकते हो कि सेकंड राउंड की जो कम संभावना है, पर सेकंड राउंड होगा ज़रूर, कम संभावना पर होगा ज़रूर सेकंड राउंड, इन्हीं जो इस लिस्ट में जिनका नाम है उनको ही सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाएगा। यदि इनमें से जो स्टूडेंट नहीं लेते हैं अपनी सीट तो अलग से आपको मौका दिया जाएगा, जिनका नाम नहीं आया है उनको भी मौका दिया जा सकता है। जिनका नाम इस मेरिट लिस्ट में नहीं है वो ज़्यादा टेंशन वाली बात न ले,
जो इसके आसपास है, इन नंबरों के आसपास है, उनको मौका दिया जा सकता है सेकंड राउंड में। जैसे ओबीसी में 45 नंबर तक आ चुका है, तो इसका मतलब यह है कि सेकंड राउंड में आपको मौका दिया जा सकता है 45 के आसपास के जो स्टूडेंट्स हैं उनको। ये लिस्ट तो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वालों की है, यानी जो फर्स्ट राउंड में जो पार्टिसिपेट करेंगे उनकी है ये लिस्ट, तो आप ज़्यादा घबराइए मत। अब आपकी जो कट ऑफ की बात कर लेते हैं कि कट ऑफ कितनी कितनी रहेगी कैटेगरी वाइज फर्स्ट राउंड की। यूआर है, यूआर में जिनके 65 नंबर के अराउंड जिनके नंबर है, यानी 65 नंबर के आसपास जिनके नंबर आ रहे हैं, उनको कॉलेज अलॉट हो जाएगी, श्योरली हो जाएगी। और जो ओबीसी से है, ओबीसी में है, उनके 60 से 62 नंबर के आसपास वालों को कॉलेज अलॉट हो जाएगी। और जो एससी में है, उनके 55 के आसपास वालों को, जो एसटी में है 50+, ये आपकी कट ऑफ है फर्स्ट राउंड की, इनको आराम से अलॉट हो जाएगी। जो इसके नीचे है उनको सेकंड राउंड में मौका दिया जाएगा, थर्ड राउंड में मौका दिया जाएगा। ये बात है कि इसी लिस्ट में जिनका नाम है उनको, अभी तो इनको ही मिलेगी फर्स्ट राउंड में, आप देख सकते हो। और इस बार कट ऑफ कम है, यानी इस बार कट ऑफ पिछली साल यानी 2022-23 के जो सेशन था उसके अनुसार बहुत कम है, 2023-24 की ये कट ऑफ। अब हम बात कर लेते हैं आपकी जो काउंसलिंग है वो काउंसलिंग कब तक होगी। काउंसलिंग आपकी होगी क्योंकि इससे पहले जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, मेन बात यह है कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है 2 जुलाई तक, यानी 29 जून से 2 जुलाई तक आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपनी आईडी लॉगिन करने के बाद वहाँ पर अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद फिर आपका जो काउंसलिंग है वो काउंसलिंग होगा 5 जुलाई के आसपास, आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी 5 जुलाई के आसपास काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी आपकी। और जो कास्ट सर्टिफिकेट है, जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट, वो कास्ट सर्टिफिकेट आपको जो इस लिस्ट में दे रखा है कि इतना साल पुराना नहीं होना चाहिए और इतना साल यानी इसी साल के बीच यानी इस डेट के बीच का बना होना चाहिए, ये बात आपको इस मेरिट लिस्ट के जो नीचे पेज है उस पर दिखाई गई है, या आप देख सकते हो। जो STSC वाले हो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने कास्ट सर्टिफिकेट की, जो OBC से है और EWS वाले हैं उनको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि 19/6/2022 टू 12/6/2023 क्योंकि आपकी एग्ज़ाम 12 को लगी थी, तो 12 से पहले का और 19/6/2022 इस डेट का बना होना चाहिए OBC सर्टिफिकेट। और EWS सर्टिफिकेट 1/2023 टू 12/6, ये EWS सर्टिफिकेट और भी इन लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है EWS वालों को, क्योंकि ये देख सकते हो 1/4/23 टू 12/6/23 के बीच का ही बना होना चाहिए आपका EWS सर्टिफिकेट। यदि आपके पास ये नहीं है सर्टिफिकेट इस डेट में, तो आपको जनरल कैटेगरी, आपको जो जनरल कैटेगरी है UR कैटेगरी में ढाल दिया जाएगा और उसी के हिसाब से आपको कॉलेज अलॉट होगी। अब हम बात करते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स की। आपके डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले नंबर पर आती है आपकी जो TC है, TC हो गया, माइग्रेशन हो गया आपका, और 10th और 12th की मार्कशीट हो गई आपकी, और आपका जो फॉर्म भरा है आपने वो फॉर्म आपको, और आपकी एडमिट कार्ड की कॉपी एक, आपकी 4 से 5 फोटो होनी चाहिए आपके पास, और आपकी जो मेरिट है वो मेरिट नंबर वाली जो वो उसका पेज है उसकी फोटोकॉपी निकलवा लेना, और आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट ये सभी ओरिजिनल है लेके जाने आपको एडमिशन के टाइम में, जो कि आपके 10 से 15 जुलाई के बीच में ये चाहिएगा आपको, याद रखना 10 से 15 जुलाई के बीच में ये डॉक्यूमेंट्स, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। तो आप अभी से तैयार करके रखो अपनी जो फाइल है उसमें, यानी कलेक्ट करके रखो ये डॉक्यूमेंट्स। और एक वो आपका जो करेक्टर सर्टिफिकेट होता है, चरित्र प्रमाण पत्र, वो आपको ये देख सकते हो, ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, तो ये डॉक्यूमेंट्स आप तैयार करके रखिए। जो रिजल्ट अटक रहा था, जो आपका रिजल्ट अटक रहा था, वो रिजल्ट इसलिए अटक रहा था क्योंकि आपका जो एम्स पैरामेडिकल है, एम्स पैरामेडिकल का एग्ज़ाम था और जो NORSET का एग्ज़ाम था, इसी वजह से आपका रिजल्ट अटक रहा था।
अब आपका रिजल्ट आ चुका है, मेरिट लिस्ट आ चुकी है, अब आपकी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है 5 जुलाई के आसपास, तो आप तैयार हो जाइए। अब हम अगले नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आपकी जो कॉलेज लिस्ट, आपकी कॉलेज लिस्ट दिखाएंगे आपको, टोटल सीट कितनी है और कौन कौन सी कॉलेज है, कौन कौन सी बेस्ट कॉलेज है, इसके बारे में आपको डिटेल से एक और वीडियो में बताएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप प्लीज़ जाकर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेवे, और आपकी जो सेकंड राउंड और थर्ड राउंड की जो कट ऑफ रहेगी उसके बारे में भी उसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा होने जा रहा है, इसके कारण आपको अगले वीडियो में ये बता दिया जाएगा आपके टोटल सीट, सेकंड थर्ड राउंड की जो कट ऑफ रहेगी वो, और ये लिस्ट आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम जाकर जल्दी से ज्वाइन ज़रूर करें।